इंडिया इस साल यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया था, आज उसी देश को इंडिया ने 75 साल बाद पीछे छोड़ दिया है। और अभी तो ये बस शुरुआत है, आने वाले 5 सालों में इंडिया इकोनॉमिक टर्म्स में कई देशों को पीछे छोड़ देगा। इंडिया ने पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है, क्योंकि 10 साल पहले भारत दुनिया की इकोनॉमी में 11वें नंबर पर था। और इसी को देखते हुए IMF ने कहा है कि 2030 की जगह अब 2027 में ही इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से इंडिया 2030 नहीं बल्कि 2027 में ही वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक GDP में 64% ग्रोथ किया है, जो कि हम पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 7.2% का था। और अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे आता है अमेरिका, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे जर्मनी एंड फोर्थ पे जापान। और ये बात तो हम सबको पता है कि आज की डेट में जर्मनी और जापान दोनों ही कंट्रीज की ग्रोथ स्लो पेस पे रन कर रही है, जिसमें 2024 में जर्मन इकोनॉमी 1.1% से ग्रो करेगी, जापानीज इकोनॉमी आने वाले 5 सालों तक 1% से ग्रो करने वाली है। यानी कि इंडिया 2024 तक वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट और शायद 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए IMF ने कहा है कि अगर इंडिया को चाइनीज इकोनॉमी को बीट करना है तो इंडिया को अभी से ही कम्पीट करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया $5.3 trillion की इकोनॉमी बनेगा तब तक चाइनीज प्रोजेक्टेड इकोनॉमी $28 trillion की हो जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया टाइम आने से पहले जर्मनी को सरपास करके वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।